तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टिक जाधव पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ना कि आप यदि UnoSBI में लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, इस तरह से दिक्कत आ रही है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है, हम 100% आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आया करते हैं। तो चलिए लाइव आपको सारा कुछ प्रूफ दिखाई देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको UnoSBI एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड जब लिख रहा है तो हम लोग के साथ समस्या आ रही है, उसका सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ। परमिशन मांगिए तो अलाउ कर दीजिएगा, एग्जिटिंग SBI कस्टमर अलाउ करते हैं और अपना सिम को उस सिम को सेलेक्ट करेंगे जो आपके बैंक से लिंक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले पे मेरी सिम है पहले वाली में, तो क्लिक करके नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक किया, अलाउ किया और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा वेरिफिकेशन चलता है, ठीक है। अभी वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे, थोड़ा सा बस प्रतीक्षा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने में, ठीक है। और वहाँ पे हमारे साथ समस्या आ रही है तो उस प्रॉब्लम का मैं निदान बताऊँगा। जैसे हम प्रोसेस पर क्लिक कर रहे हैं, अपना हम यहाँ से यूज़र आईडी डाल लें, जैसे हमारा जो यूज़र आईडी है यहाँ से डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड हमारा जो है इनपुट कर दिया और जैसे हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा इस तरह से यहाँ पर सबमिट नहीं हो पा रहा है और OTP आ ही नहीं रही है। और OTP नहीं आ रही है उसका, जब रिसेंट OTP पे हम क्लिक भी कर रहे हैं ना तो यहाँ पर इरर लिख दे रहा है वही वाला, ठीक है। यूजर नेम तरह तरह का इरर लिख रहा है। आइए मैं आपको लाइव लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ दिक्कत क्या है, UnoSBI में प्रॉब्लम आई है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, वहाँ से आप जाकर ना अपना UnoSBI का लॉगिन आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों रीसेट कर लीजिए। उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया 10 से 12 मिनट की वीडियो, उसको वॉच कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और जब वहाँ से आप नया वाला बना लेंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से एग्जिटिंग SBI कस्टमर पर आना है, सिम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना। अभी मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ लाइव, क्योंकि मैंने वहाँ से चेंज कर लिया और हमारा अब लॉगिन आसानी से हो जा रहा है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेते हैं और हमारी यहाँ पे जो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन है वह चल रहा है, अभी हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और हमारा वेरिफिकेशन हो गया, प्रोसेस पर हम क्लिक करते हैं और इस बार हम अपना सही से यूजर नेम और पासवर्ड जो नया वाला बनाया है उसको भरते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ना, आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे और इस बार 100% OTP आ जाएगी, क्योंकि जब आप सही से नहीं भरेंगे ना, गलत भरेंगे तो OTP भी नहीं आती है, ठीक है ना। और यदि आप सही भरेंगे तो आपकी OTP भी आ जाएगी। देखिए हमारी OTP आ चुकी है, हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं भर लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने अपना OTP भर के राइट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे लॉगिन कर गए हम लॉगिन हो गए आसानी से, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम अपना पिन बना लेते हैं, ठीक है, और बना के यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं और आसानी से लॉगिन हो गए, कंग्रेचुलेसन का मैसेज भी आ गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।